जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का वीडियो लाल किला पर पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण कितना लंबा था और कैसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा और बुर्ज खलीफा की वजह से पाकिस्तान कैसे बेइज्जत हुआ, इसके बारे में आज के वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आप लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी आज़ादी को मनाने के लिए हम लोग मंगलवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर से 65 मिनट का भाषण दिया। उससे पहले 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 86 मिनट का भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। वहीं 2016 में नरेंद्र मोदी ने 94 मिनट तक सबसे लंबा भाषण दिया था और उसके बाद 2017 में नरेंद्र मोदी ने 56 मिनट का भाषण दिया था। यह अब तक का सबसे छोटा भाषण है। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 82 मिनट का भाषण दिया था। वहीं 2019 में 93 मिनट का भाषण दिया था। 2020 में 86 मिनट का भाषण दिया था। 2021 में 88 मिनट का भाषण दिया गया था। 2014 में पदभार संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अब तक 10 स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिए हैं। हर साल उनके भाषण काफ़ी लंबे होते गए हैं। लाल किला के प्राचीर से पीएम मोदी ने राष्ट्र वाद की शुभकामना दी और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने भारत शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया। भारत का शब्द का उपयोग 110 बार, वहीं विश्व शब्द का इस्तेमाल 63 बार, परिभाजन शब्द का इस्तेमाल 48 बार, समर्थ शब्द का इस्तेमाल 43 बार, गांव शब्द का इस्तेमाल 23 बार, संकल्प शब्द का इस्तेमाल 20 बार, आज़ादी शब्द का इस्तेमाल 17 बार, भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल 14 बार और युवा शब्द का इस्तेमाल 13 बार, मध्य वर्ग का इस्तेमाल 8 बार, G20 का इस्तेमाल 6, सामाजिक न्याय का इस्तेमाल 5 बार। पीएम मोदी ने 5 बार मणिपुर का जिक्र भी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की अपील की। भाषण समापन से पहले उन्होंने एक कविता देश की अमृत का जिक्र भी किया। उससे पहले उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि देश को परिवारवाद नोच दिया है। मोदी की गारंटी है कि देश की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में टॉप 3 में पहुंच जाएगी। और उनकी यह कविता, चलता चलता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीरे धीरे चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही नीति नहीं, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। पीएम नरेंद्र मोदी कविता पढ़ने के बाद अपने भाषण को समाप्त किया और उसी दिन भारत, पाकिस्तान और दुबई में एक अजीबो गरीबो सा कांड हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की लाइटिंग से जगमगाया बुर्ज खलीफा, नहीं दिखाया गया पाक का झंडा। इसी हेडलाइन की वजह से आज बहुत चर्चित में पाकिस्तान, दुबई और बुर्ज खलीफा है। UAE, संयुक्त अरब अमीरात, 15 अगस्त 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसको लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित, हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहे थे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भी तिरंगा का रंग चढ़ा नज़र आ रहा था। UAE में मौजूद बुर्ज खलीफा के डिस्प्ले पर भारत का तिरंगा और महात्मा गांधी की फ़ोटो दिखाई जा रही थी। दुबई में एक वीडियो वायरल हुआ
जो सोशल मीडिया पर इस कदर फैल चुका है कि मीडिया पर हैश टैग बुर्ज खलीफा ही ट्रेंड करने लगा। इस हैश टैग के साथ जहां कुछ लोग यूजर को लेकर मजे ले रहे हैं, वहीं कुछ यूजर ने कहा 15 अगस्त 7 बजे के बाद बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। वायरल क्लिप में एक महिला बता रही है 12:01 हो गए हैं, मगर दुबई वालों ने कहा था कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा। ये औकात रह गई है पाकिस्तान की। इसके बाद वह यह बताती है कि अभी यहाँ पाकिस्तान आवाम नारेबाजी कर रहे हैं, मगर बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। सो सैड, फ्रैंक हो गया पाकिस्तान के साथ। सही किया यूएई वालों ने, पाकिस्तान की औकात भी किया जो उनका झंडा फहराया। दुबई वालों ने अच्छा किया कि उन्होंने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के लोग किस औकात में रहते हैं और किस औकात से आते हैं, और हमेशा कभी भी आदर या सत्कार बाप की जाती है, बेटे की नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और उसे जानने से पहले अपनी थोड़ी बातें कर लें। आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए नए विजिट किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।